टुडे वी विल डू इन साइकोफिजिक्स पार्ट 4 कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड विद मेथड ऑफ लिमिट्स और मेथड ऑफ मिनिमल चेंजेस और मेथड ऑफ सीरियल एक्सप्लोरेशन और मेथड ऑफ जस्ट नोटिसेबल डिफरेंस. तो दीज आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ द सेम मेथड दैट इज मेथड ऑफ लिमिट्स. So, absolute threshold, as we have already discussed in the previous videos, it is the minimum value which is perceived to be present. मतलब वो minimum value जो हमें महसूस होती है कि present है. तो उसके लिए हम एक example लेंगे. तो first of all, let's start with an example. Suppose there is a stimulus. स्टिमुलस हम ले रहे हैं साउंड इंटेंसिटी. दिस इज साउंड इंटेंसिटी. ओके, तो ये हाइपोथेटिकल डेटा है. जस्ट टू एक्सप्लेन कि हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं. तो सपोज हम लोग लिखते हैं साउंड इंटेंसिटी 1 से लेके 15 तक की वैल्यूज़ हैं. कोई भी यूनिट हम मान के चल सकते हैं. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. अब मेथड ऑफ लिमिट्स की खास बात क्या है कि मेथड ऑफ लिमिट्स में जब भी हमने एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड कैलकुलेट करना है, हमें उस स्टिमुलस को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देना है. मतलब ये नहीं कि अपनी मर्जी से हम नहीं दे सकते, हमें ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ट्रायल्स करनी है. तो डिफरेंट ट्रायल्स करेंगे. तो फर्स्ट ट्रायल सपोज हमने असेंडिंग में करा है. तो असेंडिंग में सबसे पहले हम इसको 1 देंगे. ठीक है, 1 पे उसने हमें कहा माइनस, 2 पे उसने कहा माइनस, 3 पे उसने कहा माइनस कि उसको सुनाई नहीं दे रहा, 4 पे भी कहा माइनस, 5 पे भी उसने कहा माइनस, 6 पे भी माइनस है, 7 पे उसने कहा प्लस, 8 पे प्लस, 9 पे प्लस, 10 पे प्लस. जब एक बार साइन चेंज हो जाता है और वो कंटिन्यूसली प्लस कह रहा है, उसके बाद अगर आप चाहो तो आगे वाले स्टिमुलस हम नहीं भी प्रेजेंट करते. तो दिस इज़ असेंडिंग. ओके, इसको मैं एरो से भी कर सकती हूँ. उसके बाद है हमारी डिसेंडिंग. मतलब बड़ा स्टिमुलस पहले, उसके बाद छोटा 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 स्टिमुलस देंगे. तो हमारा सबसे बड़ा जो स्टिमुलस है, लेट्स मेक अ लाइन हियर. ओके, सो अगर सपोज हमने यहाँ से शुरू किया, सबसे पहले हमने दिया उसको 15, तो उसको उसने प्लस कहा, 14 उसको भी प्लस कहा, 13 को भी उसने प्लस कहा और 12 को भी प्लस कहा, 11 को भी प्लस कह रहा है, 10 को भी प्लस कह रहा है, 9 को भी प्लस कह रहा है, 8 को भी प्लस कह रहा है और 7 को भी प्लस कह रहा है और यहाँ पे जाके उसने इसको माइनस कह दिया. ना, ज़रूरी नहीं कि हर जगह हर बार वो एक ही जगह पे प्लस या माइनस या चेंज करेगा अपना रिस्पांस, बट हम सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेके चल रहे हैं. नाउ नेक्स्ट हमारा होगा फिर से असेंडिंग सीरीज. असेंडिंग सीरीज में अगेन 1 से स्टार्ट करना है. तो 1 से नहीं तो हम 2 से भी कर लेते हैं, ताकि उसको ये ना हो कि हर बार वो 4 के बाद कह दे कि यस. तो इसलिए हम इस चीज़ को रूल आउट करने के लिए एक आधी वैल्यू एक्सट्रीम्स पे छोड़ देते हैं, लेकिन बीच में हमें कोई भी वैल्यू मिस नहीं करनी. सो अगेन वी हैव दिस असेंडिंग सीरीज. सपोज मैंने 3 से स्टार्ट कर लिया, उसने यहाँ पे माइनस कह दिया, 4 पे उसने माइनस कह दिया, 5 पे भी माइनस कहा, 6 पे भी माइनस कहा, अब उसने 7 पे भी माइनस कह दिया, 8 पे भी माइनस कह दिया, अब 9 पे जाके वो प्लस कह रहा है, उसके बाद 10 पे भी प्लस कह रहा है, 11 पे भी प्लस कह रहा है. उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रायल. ओके, सो दिस इज़ अगेन डिसेंडिंग. डिसेंडिंग सीरीज में फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे. ओके, सो डिसेंडिंग सीरीज में मैं इस बार एक आधा छोड़ के चलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये सारों को वो प्लस कह रहा है. तो सपोज़ मैं 14 से शुरू कर रही हूँ, तो यहाँ भी उसको वो प्लस कह रहा है, 13 पे भी उसको प्लस कह रहा है, 12 पे भी प्लस कह रहा है, 11 पे भी प्लस कह रहा है, 9 पे भी, 10 पे भी प्लस है, 9 पे भी प्लस है, 8 पे वो माइनस कह रहा है.
ओके, तो यहाँ पे फिर चेंज हो गया और यहाँ पे फिर उसको माइनस माइनस एंड माइनस, ओके। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट सीरीज, दैट इज असेंडिंग, ओके। असेंडिंग अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट वन, ओके। दिस टाइम आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस टू, यहाँ पे ही सेज माइनस, अगेन ही सेज माइनस, अगेन सेज माइनस, अगेन सेज माइनस, हेयर अगेन सेज माइनस, अगेन माइनस, अगेन माइनस, एंड नाइन पे भी माइनस, एंड आगे जाके वो प्लस प्लस प्लस, फाइन। तो इस तरह से ये हमारा डेटा है जो कि ट्रायल्स के बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। अब हमारी टर्न है डिसेंडिंग की, ओके। सो हियर आई राइट डाउन डिसेंडिंग। डिसेंडिंग पे नाउ आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम अबव, सो दिस टाइम आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, उसको वो प्लस कह रहा है, प्लस कह रहा है, प्लस कह रहा है, प्लस कह रहा है, अगेन प्लस, अगेन प्लस, यहाँ पे माइनस 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 एंड माइनस। सो दिस वे वी हैव आर डिसेंडिंग सीरीज, ओके। नाउ अगेन आई कम टू द असेंडिंग सीरीज। असेंडिंग सीरीज, असेंडिंग इज अगेन स्टार्टिंग विद वन। सो सपोज आई बिगिन विद टू दिस टाइम, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, सो उसकी डिस्क्रिप्शन है, कहीं पे भी हमारे पास साइन जो है वो चेंज हो सकता है। अगेन हम लोग डिसेंडिंग, ओके। डिसेंडिंग इज बिगनिंग विद द हाईएस्ट वैल्यू, तो सपोज मैं 15 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो प्लस 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 माइनस 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 माइनस। सो आज हम इतना ही डेटा लेंगे और इस डेटा की अब हम कैलकुलेशन करके देखते हैं कि कितनी ट्रायल्स हो गई। 3, 4, 5, 6, 7, 8 ट्रायल्स हैं। नॉर्मली हम वैसे 8, 10 भी ले लेते हैं, बट ओके लेट्स डू इट विद 8, ओके। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमें हर एक ट्रायल में जो फर्स्ट चेंज है वो नोट करना है। असेंडिंग सीरीज में हम छोटी वैल्यू से कैलकुलेट करना शुरू करेंगे, तो हमारा फर्स्ट चेंज है वो यहाँ पे है, ओके। ये डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में हम इस तरफ से कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा फर्स्ट चेंज अगेन यहाँ पे है। उसके बाद असेंडिंग है, असेंडिंग में ऊपर से देखेंगे तो फर्स्ट चेंज है हमारा जो यहाँ पे है, ओके। देन डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में यहाँ से देखोगे अगेन यहीं पे आ गया। देन असेंडिंग है, असेंडिंग में हमारा फर्स्ट चेंज यहाँ पे आ गया। और उसके बाद डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग में हमारा फर्स्ट चेंज यहाँ पे आ गया। और अगेन असेंडिंग है, असेंडिंग में फर्स्ट चेंज यहाँ पे आ गया। एंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग में फर्स्ट चेंज यहाँ पे आ गया, ओके। सो दिस इज द वे आर वैल्यूज आर गोइंग ऑन, फाइन। अब हम इसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, जैसे ये है दिस इज़ बिटवीन 6 एंड 7, तो इसका जो एवरेज है, एवरेज होगा 6.5, दैट इज़ 6 + 7 / 2, दैट इज़ 13 / 2, दैट कम्स आउट टू 6.5। सिमिलरली नेक्स्ट का जो है हमारा वैल्यू वो भी 6.5। उसके बाद नेक्स्ट की जो वैल्यू है 8 और 9 के बीच में, दैट विल कम आउट टू बी 8.5। और अगेन दिस इज 8.5, दिस इज बिटवीन 9 एंड 10, सो दिस विल कम आउट टू बी 9.5। देन दिस इज 7, बिटवीन 7 एंड 8, सो दैट विल कम आउट टू बी 7.5। देन नेक्स्ट इज दिस बिटवीन 6
and 7. This is again going to be 6.5. And this last one is 7 and 8, that is 7.5. तो हमारे पास ये सारी एवरेज आ गई. अब हमने क्या करना है, अब हम एवरेज निकालेंगे मीन असेंडिंग सीरीज और मीन डिसेंडिंग सीरीज. अब आप ये जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं इसमें से हम देखेंगे कि हमारी असेंडिंग कौन कौन सी है. तो असेंडिंग में फर्स्ट वैल्यू इज 6.5, सेकंड वैल्यू इज 8.5, थर्ड वैल्यू इज 9.5, फोर्थ वैल्यू इज 6.5. तो दिस इज कितनी, 4 डिवाइडेड बाय, तो हम 4 कर देंगे एंड इसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सिमिलरली डिसेंडिंग सीरीज है, डिसेंडिंग सीरीज में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इज 6.5, सेकंड इज 8.5, देन वी हैव 7.5 प्लस 7.5, दिस इज अगेन डिवाइडेड बाय 4. तो ये हमें कैलकुलेट करनी है. तो लेट्स टोटली सम इट अप. तो हमारा जो सम है वो कितना आएगा, कैलकुलेटर. दिस इज 6.5 प्लस 8.5 प्लस 9.5 प्लस 6.5, दिस इज 31 डिवाइडेड बाय 4. तो दिस कम्स आउट टू बी 7.75. सिमिलरली नीचे वाली जो वैल्यू है उसका भी हम टोटल करेंगे. 6.5 प्लस 8.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5, दिस कम्स आउट टू बी 30 डिवाइडेड बाय 4. This will come out to 7.5. Okay. उसके बाद next हमारा क्या रहेगा, mean absolute threshold. Mean absolute threshold. This will come out to be 7.75 plus 7.5 divided by 2. That is sum of mean ascending series plus sum of mean descending series divided by 2. So this will come out to be plus 7.75 is equal to 15.25 divided by 2. So this will come out to be 7.625. So ye hai aapka AL. This is your mean absolute lineman is equal to 7.625. इसके अलावा हमने इसका स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकालना है. तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो. स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला रहेगा दैट इज गोइंग टू बी स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है, वेयर स्मॉल एक्स इज कैपिटल एक्स माइनस एम, मतलब रॉ स्कोर माइनस मीन. तो अगर हम देखें तो हमारा ये जो मीन आया है 7.625, इसमें से ये एक्स में से 6.5 माइनस 7.625, 6.5 माइनस 7.625, 8.5 माइनस 7.625, इसमें से सारे निकाल के उनको ऐड करके डिवाइडेड बाय 8 है, क्योंकि हमारा एन जो है 8, और उसका अंडर रूट करेंगे तो आपका वो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा. और आप उस ये जो है आपका मीन एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड या एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड विद मेथड ऑफ लिमिट्स कंप्लीट होता है. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन मैसेज इन द मैसेज बॉक्स एंड आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू. एंड डू लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.